मुद्दों पर किस बातों पर चर्चा? महू के विकास के ऊपर हमने बात करी है विशेष रूप से डायरेक्टर साहब से। उसमें ये है कि एक तो सर्विस चार्ज हमको बढ़ा के भेजा जाए यहाँ पे महू में, जनसंख्या को और यहाँ की समस्याओं को देखते हुए। दूसरा, यहाँ कई कर्मचारी डेली वेजेस पे 15-16 सालों से काम कर रहे हैं, उनको नियमित किया जाए, उनको न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए भी हमने उनसे बात की है। कई पोस्टें हमारे यहाँ खाली पड़ी हैं, करीब 25% कर्मचारी भी हमारे यहाँ नहीं बचे हैं, तो जो पोस्टें पद खाली पड़े हैं उनको पे नियुक्ति करने की और उन पदों को भरे जाने की अनुमति हमने उनसे मांगी है। उन्होंने कहा है कि प्रस्ताव आप भेजें, मैं उसमें स्वीकृतियाँ दूंगा। इसके साथ ही शहर के और भी कई विकास के मुद्दे हमने उनके सामने शेयर किए हैं और करीब करीब सब पे सकारात्मक विचार बने हैं, और जितने भी प्रपोजल हम भेजेंगे तो उनका ये हमसे आश्वासन है कि मैं आप प्रस्ताव भेजेंगे और मैं उस पर तत्काल जो है कार्रवाई करके उस पर स्वीकृति देने का प्रयास करूँगा। कोई ऐसा बड़ा कोई विकास कार्य की श्रीमति है, कुछ ऐसा उनके आने से कुछ सौगात मिली हो शहर को? नहीं, वो ऐसी कोई कॉन्क्रीट बात तो कुछ किसी पे यहाँ बैठ के क्योंकि डिसीजन नहीं होते हैं, या तो सिर्फ उनको हम बता सकते हैं कि ये इस तरीके के समस्याएं हैं हमारी। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा था कि कर्मचारी डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं बेचारे, 16-17 साल हो गए, उस पर भी उन्होंने आश्वासन दिया है, पदों को भरने के लिए भी आश्वासन दिया है उन्होंने कि मैं पदों को आपके यहाँ जल्दी से जल्दी भरवा दूंगा। इसके अलावा भी जो डेवलपमेंट के काम हमने उनको बताए हैं उनसे संबंधित उन्होंने कहा है कि मैं उसको जल्दी। उनका दौरा बताया जा रहा है रूटीन ना होकर किसी शिकायत पर था, कहीं शिकायतें हुई थी तो उसके साथ जांच करने वो यहाँ आए थे? हाँ, कुछ वो भी था उसमें, उनका रूटीन में भी था कि उनको यहाँ क्योंकि महू को वो देख रहे हैं, कई डायरेक्टरों को अलग अलग वो दे रखे हैं लखनऊ के अंदर, तो महू इनको दे रखा है ए बी सिंह साहब को, और उसके उसमें भी आना था उनको, और विशेष रूप से कुछ यहाँ से शिकायतें भी हुई थी, उन शिकायतों के ऊपर भी उनका आने का था, उसको भी उन्होंने सुना है, सब पार्षदों को भी अलग अलग मिले हैं वो उसी बात को लेके, और आज स्टेशन कमांडर साहब से भी उनकी बात हुई है जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हैं बोर्ड के अंदर प्रकाश चंद जी, उनसे भी शायद बात हुई है। शहर में भी कहीं दौरा करा क्यों नहीं? शहर में अभी कहीं दौरा नहीं किया, हम लोग भी चाहते हैं कि शहर और कैंटोनमेंट बोर्ड कम्फर्टेबल चले और अच्छे से सब विकास के काम जो गतियाँ पहले चल रही थी उसी हिसाब से उसी गति में जो है शहर के विकास। वैसे कोई कर्मचारियों की भी शिकायतें जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई, तो आपके द्वारा भी कोई शिकायत वगैरह की? नहीं, ऐसी कोई मैंने शिकायत किसी प्रकार की किसी कर्मचारी की नहीं करी है, मेरे सुनने में भी नहीं आया कि किसी पार्षद ने या किसी ने किसी कर्मचारी की शिकायत की है। सब एक साथ मिलने के बजाय अलग अलग मिले या उन्होंने अलग अलग बुलाया इसका कोई? नहीं, उन्होंने अलग अलग ही उनकी इच्छा थी कि अलग अलग सबसे मिलें ताकि स्वतंत्र रूप से सब अपनी बातें कह सकें, उसके लिए अलग अलग बुलाया था, उसमें हम लोग सब मिले हैं और कोई ऐसे वातावरण अच्छा था। वो होता है रूटीन में, थोड़े बहुत काम होते हैं थोड़े नहीं होते हैं, किसी की नाराजगी होती है विचारों में, अधिकारी हो या कर्मचारी हो, थोड़े बहुत तो डिफरेंसेस होते हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता के हिसाब से सोचते हैं हम लोग, और कर्मचारी जो है